शार्क टैंक सीजन 3 के सबसे अमीर जज, जिनके नेटवर्थ के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, रितेश अग्रवाल। तीसरे सीजन में डेब्यू करने वाले रितेश अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में ओयो रूम्स की शुरुआत की थी। रितेश अग्रवाल की संपत्ति की बात करें तो आज उनके पास $2 बिलियन यानी 16,462 करोड़ की संपत्ति है। ये इस सीजन के सबसे अमीर शार्क हैं। नंबर 2, पीयूष बंसल। चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल तीसरे सीजन का हिस्सा है। उन्होंने पहले और दूसरे सीजन में अपनी कमाल की स्ट्रेटजी से सभी को काफी इंप्रेस किया था। बहुत कम समय में देश के प्रभावशाली बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार होने वाले पीयूष आज 600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 3, दीपेंदर गोयल। दीपेंदर गोयल जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में सिर्फ 2 एपिसोड में ही नजर आए थे, उनका कहना है कि वह इस शो में सीखने के लिए आए हैं। साल 2023 में दीपेंदर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 2030 करोड़ है। दीपेंदर ने साल 2008 में पंकज चड्ढा के साथ मिलकर जोमैटो बनाया था। नंबर 4, अमित जैन। शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन में भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर की जगह कार देखो के सह संस्थापक और सीईओ अमित जैन को शार्क के तौर पर लिया गया था। अमित जैन की कुल संपत्ति 2,900 करोड़ रुपए हैं। नंबर 5, अमन गुप्ता। बोट के सह संस्थापक और सीएमओ अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले शार्क के रूप में उभरे थे। साथ ही उनका फनी और फिल्मी अंदाज सभी को पसंद आया था। बहुत कम समय में वह देश के सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो गए। आज अमन गुप्ता 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। नंबर 6, अनुपम मित्तल। रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन में भी अपनी डील्स को लेकर सुर्खियों में छाने वाले जज अनुपम मित्तल मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com और मकान.com के फाउंडर हैं। अनुपम को शो में उनके वन लाइनर्स के लिए जाना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अनुपम मित्तल की कुल संपत्ति 185 करोड़ है। नंबर 7, विनीता सिंह। शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और सह संस्थापक विनीता सिंह, जिन्होंने 2015 में अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ही सालों में विनीता ने 300 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य बनाया है। आईआईएम अहमदाबाद की पूर्व छात्रा ने कई स्टार्टअप में निवेश किया है। नंबर 8, नमिता थापर। नमिता थापर करीब 600 करोड़ रुपए की मालकिन है। वह बिजनेस वुमन है। उन्होंने 6 साल तक अमेरिका में काम किया और फिर अपने पिता की कंपनी MKU फार्मास्यूटिकल्स को संभाला और बढ़ाया भी।